नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड के बारे में। आज के दिन की बात करें, आज के दिन हमें एक बार फिर से शेयर में एक अच्छी खासी करेक्शन होती हुई देखने को मिली है। 2% के आसपास ये शेयर हमें नीचे जाता हुआ देखने को मिला दोस्तों। यही शेयर पहले हमें 2 से 2.5% तक नीचे जाता हुआ देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद शेयर में थोड़ी थोड़ी बाइंग होती हुई देखने को मिली और शेयर हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिला दोस्तों। इससे कभी एक मंथ का चार्ट ओपन करूँ तो आप यहाँ पर देखोगे शेयर लगातार नीचे जाता हुआ देखने को मिलता जा रहा है आपको। आपके क्वेश्चन देखने को मिले क्या इस शेयर को होल्ड करके चलना चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए लेके चलता हूँ आपको इसकी फंडामेंटल पे। अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी की, अगर सबसे पहले इसके फाइनेंशियल की बात करें, नेट प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, तो भी आप देख सकते हो। कंपनी की अगर सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल हमें पिछले 3 से 4 सालों से बढ़ती हुई देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात देखने को सामने आती है। कंपनी का सेल, कंपनी का जितना सामान बिकेगा उतना कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती हुई देखने को मिल सकती है, और वैसा ही हमें देखने को मिला। कंपनी पिछले 4 साल से एक अच्छी खासी सेल करती हुई देखने को मिली है। उसी के साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, वो भी आप देख सकते हो। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें पिछले 4 साल से एक अच्छी खासी रेंज में लगातार ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। उसी के साथ कंपनी की अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, वो भी आप देख सकते हो, पिछले 4 से 5 साल से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छी खासी रेंज में ऊपर जाता हुआ देखने को मिला। उसी के साथ कंपनी के रिजर्व की बात करें, कंपनी का रिजर्व एक अच्छी खासी रेंज में ऊपर जाता हुआ देखने को मिला, जिसके बाद अब की बात करें तो 258 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व, और बोरिंग की बात करें तो कंपनी के पास 142 करोड़ के आसपास की बोरिंग देखने को मिलती है, जो कि कम होती हुई देखने को मिली है। यानी कि बोरिंग से ज्यादा कंपनी के बैकअप पे एक अच्छा खासा रिजर्व देखने को मिलता है, जो कि घबराने की बात नहीं है। उसी के साथ कंपनी के टोटल एसेट की बात करें, वो भी आप देख सकते हो। कंपनी के टोटल एसेट हमें एक अच्छी खासी रेंज में ऊपर जाते हुए देखने को मिले, अभी की बात करें थोड़े से कम होते हुए देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल कंपनी के बाकी फंडामेंटल्स की बात करें एक अच्छी खासी रेंज में सुधरते हुए और अच्छी खासी रेंज में ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसी के साथ कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर बात करें तो कंपनी लगातार अपनी अपनी होल्डिंग बेचती हुई देखने को मिल रही है, जो कि एक बुरी बात देखने में सामने आती है। एफआईएस की बात करें 33% की होल्डिंग, और डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने 59% तक की होल्डिंग अपने पास रखी है। थोड़ी सी होल्डिंग एफआईएस और डीआईएस के पास भी देखने को मिलती है, लेकिन 2 नेगेटिव पॉइंट देखने को मिले। कंपनी का एसेट कम होते हुए देखने को मिले, उसी के साथ कंपनी की होल्डिंग कम होती हुई देखने को मिली, जो कि इनके शेयर होल्डर के लिए बुरी बात देखने में सामने आती है। कंपनी की सेल हमें एक अच्छी खासी रेंज में ऊपर जाती हुई देखने को मिली, लेकिन हम ये भी निगलेक्ट नहीं कर सकते कंपनी अपना माल लगातार बेचती हुई देखने को मिली है। तो अगर आप इस शेयर को बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको यही बोलूंगा, जिस हिसाब से कंपनी की अगर कुछ पॉजिटिव बातें देखने को मिली है लेकिन कुछ नेगेटिव बातें भी देखने को मिली है, तो अगर बाय करने का नजरिया तो एसआईपी के जरिए इस शेयर को बाय करके चलिए। छोटे से अमाउंट से शुरुआत कीजिए, अगर ये शेयर 40 रुपीज वाला शेयर आने वाले समय 50 जाता है तब उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और कीजिए, 60 जाएगा तो और इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आने वाले समय में अगर ये शेयर ऊपर जाए तो आप इस शेयर से अच्छा खासा सेफ रिटर्न ले पाए एसआईपी की दौलत। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।